मूवी के स्टार्ट में हमें वॉलेस और टेरी नाम के दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि एक पॉडकास्ट चलाते हैं। इसी नाम के साथ इन लोगों की एक वेबसाइट भी थी। ये दोनों एक वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक लड़का अपनी टांग सॉर्ट से काट देता है। अब वॉलेस कहता है कि वो कनाडा जाएगा इस लड़के का इंटरव्यू करने के लिए ताकि उनको अपने पॉडकास्ट और वेबसाइट के लिए कॉन्टेंट मिल सके। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वॉलेस अगले ही दिन कनाडा पहुंच चुका है जहां पर एक पुलिस ऑफिसर उससे कुछ सवाल कर रहा है। इसके बाद वो पहुंचता है उस लड़के के घर जहां पर वॉलेस को पता चलता है कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत ही ज्यादा उसको रोस्ट किया जा रहा था। यहां पर वॉलेस को अफसोस बिल्कुल नहीं होता कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया बल्कि उसको अफसोस इस बात पर होता है कि उसका कनाडा आना बिल्कुल वेस्ट रहा। इसके बाद वॉलेस एक बार चला जाता है जहां पर वो टेडी को कॉल करता है और बताता है कि कैसे अब ये स्टोरी नहीं हो पाएगी, जिस पर टेडी उसको मशवरा देता है कि वो कोई नई स्टोरी ढूंढ ले। इसके बाद वॉलेस उस बार के वॉशरूम में जाता है जहां पर उसको नजर आता है एक नोट। उस नोट पर एक आदमी ने लिखा होता है कि उसके पास बहुत ज्यादा एडवेंचरस स्टोरीज हैं और अगर कोई उनको सुनना चाहता है तो वो उनके पास आ जाए। उसके साथ ही एक नंबर भी दिया गया होता है जिस पर वॉलेस कॉल करता है क्योंकि उसको मालूम होता है कि शायद उसको पॉडकास्ट के लिए नई कहानियां मिल गई हैं। अब वॉलेस फोन करके मिस्टर हॉबिट को बताता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। वॉलेस एक स्टोर पर जाता है जहां पर वो कुछ सामान लेता है और वहां के ओनर लड़कियों से पूछता है कि मुझे इस एड्रेस का बता दे, जो कि उसको बताती है कि ये जगह यहां से 2 घंटे दूर है। इसके बाद वॉलेस वहां से सामान लेकर चला जाता है। वॉलेस जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि हॉबिट का घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये जंगल के बीच में है। यहाँ पर वॉलेस हॉबिट से मिलता है और ये दोनों चाय पीते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हॉबिट बिल्कुल डिसेबल्ड है, वो एक व्हीलचेयर पर होता है। हॉबिट बताता है कि वो World War II में कुक था और वहाँ के सोल्जर्स के लिए खाना बनाया करता था। वो आगे बताता है कि कैसे उनकी शिप डूब गई और सबके सब सोल्जर्स मर गए और सिर्फ यहाँ पर हॉबिट ही बचा था। इसके बाद वो किसी तरीके से एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां पर उसको मिलता है एक वॉलरस और साथ ये भी कहता है कि उस वॉलरस ने इसकी जान बचाई थी। अब यहाँ पर वैलेस इससे पूछता है कि एक वॉलरस ने आपकी जान कैसे बचाई। हॉबिट बताता है कि कैसे उसने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा मदद की थी, जैसे कि जब बहुत ही ज्यादा ठंड होती थी तो वो वॉलरस हॉबिट को अपने साथ लगा लेता था जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता था और इसके बाद हॉबिट ने उसका नाम रख दिया था मिस्टर टस्क। पहले तो वॉलेस को इसकी कहानी पर यकीन नहीं होता पर जैसे जैसे हॉबर्ट अपनी कहानी आगे बताता जाता है साथ साथ वॉलेस अपनी चाय पीता जाता है। इस तरह से वॉलेस बहुत सारी चाय के कप्स पी लेता है और अब तक वो स्टोरी कंटिन्यू रहती है। यहाँ पर चाय पीते पीते वॉलेस को कुछ अजीब महसूस होता है और वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। फिर दिखाते हैं हमें कुछ फ्लैशबैक्स जो के होते हैं वॉलेस के कनाडा आने से पहले के। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठे हुए बातें कर रहा है। वॉलेस की फ्रेंड उसको कहती है कि वो भी उसके साथ कनाडा आना चाहती है जहां पर वॉलेस उसको इनकार कर देता है। इनकार ही सुनने पर वो लड़की कहती है कि अब वो पुराना वॉलेस नहीं रहा और वो बहुत चेंज हो गया है। वॉलेस यहाँ पे उससे डिस्कस करता है कि वो अगर उसको साथ नहीं लेके जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदल गया है। अब अगले सीन में दिखाते हैं प्रेजेंट टाइम जहाँ पर वॉलेस की आंख खुलती है और वो खुद को एक व्हीलचेयर में पाता है। वो हॉबिट से पूछता है कि क्या हुआ था कल। हॉबिट बताता है कि कैसे एक स्पाइडर ने उसको काट लिया था जिसके बाद वो बेहोश हो गया। हॉबिट ने डॉक्टर को बुलाया और उसने उसकी बॉडी से वो सारा जहर निकाल दिया था। अब ये बात तो वो मान लेता है और इसके बाद वॉलेस हॉबिट से कहता है कि उसको अपना फोन चाहिए, जिस पे हॉबिट कहता है कि डॉक्टर ने उसको फोन यूज करने से मना किया है। थोड़ी देर में वॉलेस को महसूस होता है कि उसके पास अपनी टांगे नहीं है, वो अपनी टांगों को हिला नहीं सकता। वो अपनी टांगों पे पड़े हुए कपड़े को हटाता है तो देखता है कि उसकी एक टांग नहीं है, यानी कि कट चुकी है। घबरा के वॉलेस हॉबिट से पूछता है कि उसकी टांग के साथ क्या हुआ, जिस पे हॉबिट कहता है कि डॉक्टर ने उसकी टांग काट दी क्योंकि स्पाइडर का जहर फैल रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये दोनों अब एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं जहां पर हॉबिट कहता है कि खाना खा लो। अब वॉलेस आगे से कहता है कि उसको अपने हाथ भी महसूस नहीं हो रहे। अब इसके रिप्लाई में हॉबिट कहता है कि डॉक्टर ने शायद उसको मॉर्फिन, जो कि एक मेडिसिन है, शायद वो ज्यादा दे दी हो और ये भी कि ये मेडिसिन देना जरूरी था वरना दर्द से वो बहुत ज्यादा चिल्लाता। यहाँ पर वॉलेस समझ आता है कि ये कुछ साजिश हॉबिट की ही है और उसी ने ये सब कुछ उसके साथ किया है। यहाँ पर वॉलेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हॉबिट को गालियां देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो।
सीन थोड़ा शॉकिंग है जहाँ पर हॉवर्ड उठ के चलता है और वॉलेस के पास आता है, उसको एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि चुप हो जाओ। इससे अब हमें पता चल जाता है कि हॉवर्ड सिर्फ झूठ बोल रहा था कि वो डिसेबल्ड है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वॉलेस की दोस्त एली अब बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि वॉलेस ने उसे 2 दिन से कॉल नहीं की। वो अपने सामने बैठे बंदे को बताती है कि वॉलेस को उसकी बिल्कुल ही कोई परवाह नहीं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। एली वॉलेस को कॉल करती है। जब फोन रिंग करता है तो वॉलेस उसी व्हीलचेयर पे फोन के पास जाता है, पर इससे पहले कि वो फोन पिक कर सके कॉल एंड हो जाती है, जिससे एली को लगता है कि वॉलेस उसको इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर वॉलेस एली को एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो बताता है कि कैसे एक अनजान आदमी ने उसको अपने घर पे कैद कर रखा है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि कैसे उसकी एक टांग भी काट दी गई है। वो एली को वॉइस नोट में उस घर का एड्रेस भी भेजता है और बताता है कि वो जल्दी आके मदद करे। इसके बाद वॉलेस डैडी को भी एक वही वॉइस नोट भेजता है, जहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एली के साथ जो बंदा था वो टेडी ही था, बट यहाँ पर टेडी वॉलेस के वॉइस नोट्स को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ जब वॉइस नोट भेजा जा रहा होता है तो पीछे से हॉवर्ड आता है और वॉलेस के सर पे एक डंडा मार देता है। इसके बाद वॉलेस बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह दिखाते हैं कि एली अपना फोन चेक करती है और वो वॉलेस का मैसेज देखकर बहुत खुश होती है, पर जब वो वॉइस नोट सुनती है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो टेडी को भी वो वॉइस नोट सुनाती है, जिसके बाद ये दोनों कनाडा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हमें एक बहुत ही खौफनाक चीज दिखाई जाती है कि कैसे हॉवर्ड वॉलेस का ऑपरेशन कर रहा है। हॉवर्ड ने वॉलेस की दोनों टांगे काट दी थी और उनसे 2 टीथ बना लिए थे। साथ ही में उसने वॉलेस के दोनों हाथों को आपस में स्टिच कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि वो वॉलेस की तरह मूव करे। इसके साथ साथ उसने वॉलेस की टांग भी काट दी थी। ये सब हॉवर्ड इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो वॉलेस को मिस्टर टस्क बना सके। अगली सुबह एली और टेरी पहुंच जाते हैं कनाडा, जहां पर वो ढूंढने लगते हैं वॉलेस को, जहां पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉवर्ड ने वॉलेस को पूरी तरीके से एक वॉलेस में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद वो वॉलेस को बुलाने लगता है मिस्टर टस्क और उसी तरीके से उसको ट्रीट करता है जैसे कि वो उस वॉलेस को कह रहा था जिसने वर्ल्ड वॉर में बचाई थी जान हॉवर्ड की, क्योंकि वो मिस्टर टस्क को थैंक यू कहना चाहता था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एली और टेडी वॉलेस की पिक्चर लेके हर जगह जाते हैं कि शायद किसी ने उसको देखा हो, पर उनको कोई हेल्प नहीं मिलती। ना मिलने के बाद ये दोनों जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर को बताते हैं कि कैसे उनका दोस्त वॉलेस किडनैप हो गया है। यहां पर पुलिस ऑफिसर इनको बताता है कि हो सकता है आपका दोस्त आपसे मजाक कर रहा हो क्योंकि हॉवर्ड नाम का बंदा यहां पर कहीं भी नहीं रहता। इसके साथ वो ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले एक बंदा आया था जो कि हॉवर्ड नाम के ही बंदे को ढूंढ रहा था। उस बंदे का नाम था गाय और वो एक रिटायर्ड कॉप था। साथ ही में वो उनको उनका नंबर भी देता है ताकि वो उस गाय से मिल सके। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वॉलेस बहुत ही ज्यादा दर्द में है और हॉवर्ड यहाँ पर उसको कहता है कि तुम्हें तैरना होगा और वो इसीलिए उसको पानी में डाल देता है, जहाँ पे वो जबरदस्ती तैरने की कोशिश करता है बट नाकाम हो रहा होता है। यहाँ पर जब वो तैरने की कोशिश करता है तो अंदर उसको एक बॉडी नजर आती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह होती है। यहाँ पर वॉलेस समझ आता है कि वो हॉवर्ड का पहला विक्टिम नहीं है और हॉवर्ड पहले भी ऐसे ही डिफरेंट लोगों को मार चुका है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एली और टेडी मिलते हैं गाय से, जो कि बताता है कि वो बहुत अरसे से इस हॉवर्ड नामी शख्स की तलाश में है। साथ ही में ये भी बताता है कि हॉवर्ड ने बहुत ही ज्यादा लोगों को पहले भी मारा है। वो बताता है कि कैसे एक हॉकी प्लेयर को ढूंढने के लिए वो ऐसे ही तलाश करता रहा, जब ढूंढने पे उसको एक बूढ़ा आदमी मिला और वो कहीं से भी सीरियल किलर नहीं लग रहा था। पर कुछ दिनों के बाद पुलिस को वहां से उस हॉकी प्लेयर की लाश मिली, जिसके बाद पता चला कि वो बूढ़ा आदमी सीरियल किलर था। गाय इनको ये भी बताता है कि कैसे हॉवर्ड लोगों की टांगे काट देता है और वॉलरस के दांत बना देता है। दूसरी तरफ हॉवर्ड वॉलेस को तैरना सिखाता है और साथ ही बताता है कि कैसे असल जानवर तो इंसान ही है। हॉवर्ड ने वॉलेस को मिस्टर टस्क कम्प्लीटली बना दिया था, जो कि हॉवर्ड का बेस्ट फ्रेंड था। हॉवर्ड वॉलेस को एक कच्ची फिश देता है और कहता है कि खा लो। अब क्योंकि वॉलेस को बहुत दिनों से भूख लगी थी, वो उस कच्ची फिश को भी खा लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गाय एली और टेडी एक स्टोर पर जाते हैं, जहां पर जाकर वो वॉलेस की पिक्चर दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या किसी ने इसको देखा है। ये वही स्टोर होता है जहां पर वॉलेस पहले आता है और एड्रेस पूछता है, जहां पर ये दोनों लड़कियां बताती हैं कि ये बंदा आया था और वो साथ ही वो एड्रेस भी देती हैं जो पूछा था। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉवर्ड अब भी वॉलेस को तैरना सिखा रहा है।
साथ साथ वो उसको बताता है कि कैसे उस मिस्टर टस्क ने इसकी जान बचाई थी। वो बताता है कि जब वो आइलैंड पे पहुंचा था तो उसको एक वॉलरस मिला था। हॉवर्ड ने उस वॉलरस को मार दिया था और जितने दिन वो उस आइलैंड पे रहा उसने उसी वॉलरस का गोश्त खाया। जब उसको ठंड लगती थी तो वो उसकी बॉडी में चला जाता था जिससे उसको गर्माइश पहुंचती थी। जितने दिन भी वो आइलैंड में रहा उसने ऐसे ही गुजारा किया जब तक वो ढूंढा नहीं गया। और जिस दिन हॉवर्ड वहां से गया उसको एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया है। इसके बाद उसने बहुत से लोगों को मिस्टर टस्क बनाया जिसके बाद वो चाहता था कि वो उसी दिन को दोबारा से जी ले। वो चाहता था कि मिस्टर टस्क हॉवर्ड को मार दे ताकि वो गिल्ट से फ्री हो जाए। यहाँ पर हॉवर्ड आता है मिस्टर टस्क को मारने के लिए, बट इससे पहले वो कुछ करता वॉलेस अपना दांत उसके पाँव में डालता है और उसको गिरा देता है। इसके बाद वॉलेस चढ़ता है मिस्टर हॉवर्ड के ऊपर और अपने दांतों से उसको बहुत बुरे तरीके से जख्मी करता है। इतना खून निकलता है कि वो मर जाता है। हॉवर्ड अब सुकून से मर गया है क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ और अब वो गिल्ट से फ्री होके मर गया है। इतने में वहाँ पर गाय टेडी और एली आ जाते हैं जहाँ पर एली वॉलेस को देख के बहुत ही ज्यादा रोती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वॉलेस को एक वाइल्ड लाइफ जू में छोड़ दिया गया है जहाँ पर टेडी और एली आके उनसे मिलती है। ये दोनों वॉलेस को एक फिश भी देते हैं जो उनके सामने ही वो फिश खा लेता है। यहाँ पर एली वॉलेस को देख कर रोती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद दिखाते हैं कि वॉलेस भी रो रहा है। वॉलेस के रोने से हमें ये अंदाजा होता है कि उसमें इंसानियत अब भी बाकी है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।